आज हम बनाएंगे बिना घंटों भिगोए बिना घंटों सेके दाल से तीन तरह के गणेश जी के लिए भोग। एक ही प्रोसेस से आप ये तीन तरह से भोग तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह हलवा बनाएं, मोदक बनाएं या फिर लड्डू बनाएं। ये तीनों ही देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस बार इस तरह इन्हें बनाकर आप गणेश जी को भोग लगाएं। अगर आपको गणेश जी का भोग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। उसके लिए सबसे पहले हम एक कप मूंग दाल लेंगे। इसे धोना नहीं है, एक साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। रगड़ते हुए अच्छे से पोंछें इन्हें। पोंछकर एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीस लेना है। इस तरह दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। इस पीसी हुई दाल को एक बर्तन में निकालेंगे और एक कप गर्म पानी लेंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा डालते हुए इन्हें मिला लेंगे। इसे गर्म पानी से भिगोएंगे तो ये बहुत जल्दी भीग के तैयार होगा। इस तरह इसे मिला के इसमें हमने पूरा एक कप पानी डाल दिया है और अब इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल अच्छी तरह से भीग के फूल जाए। दाल भीग के पूरी तरह से तैयार है। इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। हम इसे घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, पर मिठाई का स्वाद घी में अच्छा आता है। इस तरह इसे दबाते हुए छोटे छोटे बॉल्स बनाते हुए डालें। घी को अच्छी तरह गर्म होने दें और फिर फ्लेम को मीडियम में रखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में आ जाए उतने डाल लें। एक साइड से अच्छी तरह से पहले सिकने दें। सारी पकौड़ी को डालने के बाद फ्लेम को एक बार हाई में कर लें। एक साइड से सिकने पे अभी हम पलटेंगे और दूसरी ओर से भी हाई फ्लेम में सिकने देंगे। उलट पलट करते हुए दोनों ओर से अच्छी तरह से लाल होने तक इन्हें फ्राई कर लें। इस तरह दोनों ओर से बिल्कुल लाल अच्छी तरह से हो चुके होंगे। इन्हें हम निकालेंगे और इसी तरह सारी पकौड़ी को तल के तैयार कर लेंगे। इस तरह इन्हें तल के अब पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में इन्हें डालेंगे और इन्हें पीस लेंगे। इस तरह इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। अब हमने जिस घी में पकौड़ी को फ्राई किया था उसी में से 1/4 कप घी ले लेंगे। उसमें हम इन दाल को डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इन्हें ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। घी आप थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर आप घी अच्छे से खाते हैं तो थोड़ा घी और डाल लें। लगातार चलाते हुए इन्हें सेकें। 2 मिनट दाल को सेकने के बाद अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो में रखेंगे और 1/3 कप चीनी डालेंगे। चीनी डाल के इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए सेकेंगे। चीनी मिलाने पे अब इसमें हम 1/4 कप दूध डालेंगे। दूध को भी डाल के एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। 1/2 कप पाउडर दूध, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 पिंच सेफ्रन फूड कलर, केसरिया फूड कलर, कुछ केसर की पत्ती, इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। पाउडर दूध डालने से हमें खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। इन्हें इस तरह करते हुए दबाते हुए अच्छे से मिलाएं। इन सबको डालने के बाद फिर से हम 1/2 कप दूध डालेंगे और चलाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम में ही रखें। 5 मिनट मीडियम फ्लेम में इस तरह लगातार चलाते हुए सेक के अब इसमें हम 2 छोटा चम्मच चाहे खरबूजे का बीज या तरबूज का बीज, जो भी आपके पास हो वो डाल लें और इसे मिला लें और फ्लेम को बंद करें। अब इसे ढक के हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से चाशनी में भीग भी जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद अब इन्हें हम एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरह हलवे की तरह भी रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं इस तरह, या फिर
गणेश जी की पसंदीदा मनपसंद मोदक भी बना सकते हैं। उसके लिए मोदक वाला इस तरह संचा ले, मोड़ ले, इसमें अच्छे से दबाते हुए भर ले, अच्छे से दबा के भरे ताकि अच्छा एक शेप आए इसका। ये हमारे गणेश जी के मनपसंद मोदक भी तैयार है। इस तरह आपकी जो भी इच्छा हो वही बना के तैयार कर सकते हैं। ये हमारे गणेश चतुर्थी के लिए भोग तैयार है।